नमस्कार मित्रों, मैं विजय आप सबका प्यारी दुनिया में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो पितृपक्ष मेला के शुरू होने के दो दिन पहले का है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरीके की तैयारी हो चुकी है और क्या क्या तैयारी होना बाकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि यह पंडाल बनना शुरू हुआ था, जो कि बन के अब कम्प्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पितृपक्ष मेला बिहार के गया जिले में लगता है। पितृपक्ष मेला में पिंडदान किया जाता है, अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। इस मेले में भारत के विभिन्न कोनों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं, ताकि उनके आत्मा को शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो और साथ ही इनके घर में सुख शांति बना रहे। देख सकते हैं पितृपक्ष मेला 2023 कितने भव्य तरीके से लिखा गया है। रात के समय देखने में ये और भी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं यादगार के तौर पे अपना फ़ोटो खिंचवा के यहाँ से ले जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर, यानी मंदिर के परिसर के बाहर इतने सारे भिखारी बैठे हुए हैं। ये महिला जो है सभी को चावल और दाल, जो कि मिक्स है, बांट रही है। तो इस तरीके से आप भी दान दक्षिणा कर सकते हैं। आप भी आएँ तो आपको भी भिखारियों को कुछ ना कुछ दान करना होगा। चाहे आप चावल दाल करें, रुपए पैसे करें, आपकी जैसी जो श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप दान करें। तो आप देख सकते हैं कि सभी को थोड़ा थोड़ा चावल दाल मिला है। ये सब इकट्ठा करके एक जगह रखेंगे और ये देखिए, ये जो हैं ये एक एक रुपए सबको बांट रहे हैं, एक रुपए दो रुपए। इसमें से एक भिखारी जो है एक रुपए को फेंक देती है और कहती है कि ये चलता ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे भिखारी जो है वो वहाँ से पैसे उठा लेते। आप देख सकते हैं पंडाल बन के रेडी है। इस पंडाल में रात भर कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। जो पिंडदान करने वाले यात्री होते हैं वो यहाँ बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छे खासी व्यवस्था होती है, प्रशासन के लोग भी भरपूर होते हैं। अभी प्रशासन के लोग आए नहीं हैं, लेकिन पितृपक्ष मेला के एक दिन पहले और या उसी दिन प्रशासन के लोग यहाँ पर डिप्लॉयड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोर का पंख बेच रहे हैं भैया, 20 रुपये में बड़े वाला पंख और 40-60 रुपये का जो पंखा जैसा बना होता है वो दे रहे हैं। आज पिंडदान के लिए कुछ अधिक लोग दिख रहे हैं, भीड़ भाड़ अधिक है और देख सकते हैं कि जो भी आता है कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करता है। ये बाबा भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको दान दक्षिणा सब कम कर रहा है, लेकिन जो वाकई में दान दक्षिणा के अधिकारी हैं उन्हें दान दक्षिणा किया जा रहा है। तो आप भी पिंडदान करने के लिए आइएगा तो आपको भी कुछ इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से, इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है विष्णुपद वेदी, मंदिर नहीं बोला जाता है, विष्णुपद वेदी बोला जाता है। गया जी में 54 वेदी है और 54 वेदी की पूजा करने के लिए 17 दिन का समय लगता है। जो लोग 17 दिन की पूजा करते हैं वो गया जी में पूरे के पूरे 54 वेदी पर पूजा करते हैं, जिसमें समय और पैसे दोनों अधिक खर्च होते हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर जो है ये ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। इसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ये मंदिर कब से यहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने ग्रेनाइट पत्थर से बनवाया था। साइड में ही यहाँ पे मोबाइल रखने की व्यवस्था है। मोबाइल लेकर के आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल रखेंगे, जिसके लिए आपको 5 रुपये खर्च करने होंगे। 5 रुपये का चार्ज रखेगा और आपको टोकन दिया जाएगा, क्योंकि यदि मोबाइल लेके अंदर जाते हैं तो लोग फ़ोटो खींचने में, वीडियो बनाने में व्यस्त होते हैं, इसकी वजह से मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। तो इसी वजह से मैं कभी भी अपने चैनल पे अंदर का व्यू जो है वो नहीं दिखा पाया। तो आइए अब चलते हैं घाट की ओर और देखते हैं कि घाट की ओर किस तरीके की स्थिति है। तो एक बार और पंडाल घूम के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पंडाल को अब धीरे धीरे सजाया जा रहा है। ये फल्गु घाट जाने का रास्ता है, इसी रास्ते से फल्गु नदी तक हम लोग पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ भाड़ है, आज पिंडदान करने के लिए अधिक लोग आए हुए हैं। अभी आपको इतना भीड़ दिख रहा है, जब पितृपक्ष मेला होगा तो उस समय आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना भीड़ होता है। बहुत भयंकर भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि वीडियो बनाने में भी नहीं बनता, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो आपको मैं दिखाता हूँ आज कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था है, किस तरीके से लोग पिंडदान कर रहे हैं और कैसे लाइन से भिखारी सब बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिंडदान करने के लिए यात्री आए हुए हैं, सब पिंड बनाने में व्यस्त हैं। तो शुरू में 4 पिंड बनता है,
या 3 पिंड, उसमें से बड़े वाले पिंड का छोटा छोटा करके फिर 17 पिंड बनाया जाता है, जो कि पहली पूजा फल्गु नदी को की जाती है और 17 पिंड अर्पित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि लाइन से कितने भिखारी जो हैं वो बैठी हुई हैं, और किस इंतज़ार में, दान दक्षिणा के इंतज़ार में। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। आप देख सकते हैं कि कितने तन मन से यहाँ पूजा कर रहे हैं लोग। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये फल्गु नदी। ये फल्गु नदी में अभी आपको पानी जो है मटमैला दिख रहा है, लेकिन पिछले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था कि पानी बिल्कुल ब्लू कलर का था। चूँकि 2 दिन पहले बरसात हुई है और बरसात की वजह से वाटर लेवल फल्गु का बढ़ा है, साथ ही धूल मिट्टी बह के आया है, इसकी वजह से इस कलर का दिख रहा है। इस नदी के पानी को कंट्रोल किया जा सकता है, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी इसमें रखा जा सकता है। यदि पानी घटती है तो बोर बेल चला करके इस नदी को भरा जाता है, और यदि पानी अधिक होती है तो रबर डैम की थोड़ी सी हवा निकाल के पानी को बहाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिंडदान करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, पिंडदान कर रहे हैं, पंडित जी करवा रहे हैं। एक साथ लगभग यहाँ पे 20-25 लोगों को पिंडदान करवाया जा रहा है। तो पिंडदान भी 2 तरीके से होता है, एक संयुक्त पिंडदान होता है और एक अकेले। तो इन लोगों को संयुक्त मतलब एक साथ बैठा कर पिंडदान करवाया जा रहा है, कई लोगों को पिंडदान एक साथ करवाते हैं। पितृपक्ष मेला में ऐसा ही होता है, क्योंकि पितृपक्ष मेला में इतने यात्री आते हैं कि सभी को अकेले अकेले टाइम दे पाना संभव नहीं होता। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पंडित जी इनका अकेले पूजा करवा रहे हैं। तो जो अकेले पूजा पाठ करवाते हैं वो थोड़ा महंगा हो सकता है, और जो सबके साथ में पूजा पाठ करवाते हैं वो आपको कम खर्च में हो सकता है। आप देख सकते हैं ये कितने पूजा पाठ ध्यान मग्न से कर रहे हैं। इन भाई साहब का टैटू बड़ा मस्त लग रहा है, ये दोनों हाथों में टैटू बनवा रखे हैं। वैसे आपके वीडियो में मैं क्लियर दिखा नहीं सकता, लेकिन ठीक है। आप देख सकते हैं ये लड़की पानी में घूम रही है। जो पिंड दान करते हैं तो उसमें कुछ लोग सोना चांदी या पैसे डालते हैं साथ में, तो ये लोग उन्हीं के चक्कर में रहते हैं कि जो भी पैसा आ जाए वो पिंड को लोकते हैं, पिंड को देखते हैं कि पिंड में कुछ है या नहीं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन, कितना सुंदर लग रहा है। और ये घाट चारों तरफ से बांस से घिरा हुआ है कि उससे आगे ना जाए। ये देखिए, ये है सीढ़ी। आप जब फल्गु नदी पे पिंडदान करेंगे तो फिर इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के आप विष्णुपद मंदिर में जाएंगे और वहाँ पिंडदान करेंगे। तो ऊपर से पूजा पाठ करके कुछ लोग आ रहे हैं, तो देखिए वो दान दक्षिणा कर रहे हैं। चारों तरफ से किस तरीके से बच्चे उनको घेर लिए हैं, इतना बच्चे घेर लिए हैं कि उन्हें दान दक्षिणा कर पाना सबको संभव नहीं है। जैसे इन बाबा को देखिए, इनको भी सबने घेर लिया है। तो आप जितना यहाँ दान दक्षिणा कर सकते हैं दान दक्षिणा कीजिए, लेने वालों की कमी नहीं। आप देख सकते हैं ये दो लेडी, एक लेडी जो है जिनको चलना मुश्किल है, फिर भी वो पिंडदान के लिए गया जी आए। तो यहाँ की कुछ श्रद्धा इस तरीके से है कि लोग खींचे चले आते हैं। ये जिहवा बेदी है, यहाँ पे भी पूजा पाठ होता है, लेकिन जो 3-4 दिन करते हैं उनके लिए। जो 1 दिन का पूजा पाठ करते हैं उनका मुक्ता 3 जगह पे होता है, फल्गु नदी पे होता है, विष्णुपद मंदिर होता है और अक्षय वट ब्रिज होता है। और जो 3 दिन की पूजा करते हैं वो लगभग 11 से 12 बेदी की पूजा कर लेते हैं। गया जी में कुल 54 बेदी है। तो आप देख सकते हैं साफ़ सफाई के लिए कितना अच्छा बंदोबस्त किया गया है। ये सारे जो साफ़ सफाई कर्मचारी हैं पटना से बुलाए गए हैं, क्योंकि गया में साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है। जब भी पितृपक्ष मेला होता है तो बाहर से साफ़ सफाई की करने वाले कर्मचारी बुलाए जाते हैं। आप देख सकते हैं बांस से घेरा हुआ है, यानी कि उसके उधर नहीं जाना है, नहीं तो खतरा है, आप डूब सकते हैं। वैसे यहाँ पर डूबने की कोई भी ऐसी समस्या पिछले पितृपक्ष मेला में नहीं आई है और ना ही इस बार आएगी, क्योंकि बचाने के लिए यहाँ पे 2 से 3 या 4 नाव जो है वो हमेशा मौजूद होती है, और लोगों को उस बात से आगे जाने ही नहीं दिया जाता। अगर उस बात से आगे नहीं जाते हैं तो डूबने का कोई चांस ही नहीं बनता। आप देख सकते हैं कि फल्गु नदी में डुबकी लगा रहे हैं, आप भी आइए और डुबकी लगाइए। आप देख सकते हैं पंडित जी जो हैं सभी को पिंडदान करवाने के लिए यहीं पर सबको एक लाइन से बैठा देंगे। ये सब फल्गु नदी में स्नान कर लिए हैं, मुंडन करवा लिए हैं,
और पूजा पाठ के लिए रेडी। इन सब जगह पे भी पंडित जी बैठा करके सभी का पूजा पाठ करवाएंगे, पिंडदान करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं सबके लिए जौ का आटा रखा हुआ है। ये जो एरिया है यहाँ भी पिंडदान हो रहा है। यहाँ ये सीमेंटेड हॉल टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हैं नहा के। लेडीज़ और जेंट्स दोनों का अलग अलग बनाया गया है। इसमें नहाने की भी व्यवस्था है। जो फल्गुन नदी में नहीं नहाना चाहते हैं वो इसमें शावर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने इन सब जगह पे अभी पंडाल बनना बाकी है। इधर जो पंडाल है इस बार लोहे के फ्रेम से बनाया जा रहा है, जो कि पिछले बार से और ज़्यादा बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये जो लोहे का फ्रेम का बना होगा तो हवा पानी से इधर उधर डैमेज होने का या पानी रिसने का खतरा नहीं रहेगा। और एक ही बहुत बड़ा सा पंडाल बनाया जा रहा है। पिछले पितृपक्ष मेला में कई पंडाल बनाए गए थे, पंडाल संख्या 1, पंडाल संख्या 2, 3, 4 करके, लेकिन यहाँ पे सीधा एक बहुत लंबा सा पंडाल बनाया जा रहा है। जब आप पिंडदान करने के लिए यहाँ आएंगे तो यहाँ का नज़ारा जो है कुछ और ही होगा, कुछ अलग ही होगा। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ होगा। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम दृश्य होगा। मैं आपको आपके आने से पहले हो सके तो इस पर वीडियो बना के आपको दिखा पाऊँगा, क्योंकि समय के अभाव के वजह से मैं नहीं बना पाता, क्योंकि मुझे 90 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके गया जी पहुँचना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेम से कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा बनाया जा रहा है। 28 तारीख को पितृपक्ष मेले की उद्घाटन यहीं से होगा, उसके बाद 29 तारीख से पूजा पाठ अच्छे से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर तक चलेगा। अधिकांश लोग जो हैं वो एक दिन की पूजा पाठ करते हैं, और मैं पंडित जी से जब पूछा कि एक दिन, 3 दिन और 17 दिन, क्या तीनों पूजा पाठ का फल अलग अलग है, तो उन्होंने बताया कि तीनों पूजा पाठ का फल एक ही है। मुख्य रूप से मेन जो है, मेन पूजा पहले दिन का होता है, जो कि फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर, अक्षय वट ब्रिज का होता है। यही 3 मेन होते हैं। उसके बाद बाकी सब समझ लीजिए कि सब्सिडरी सब्जेक्ट की तरह होते हैं, इसलिए इन 3 का पूजा करना अति आवश्यक। जिनके शरीर पे कोई साया, भूत प्रेत का असर होता है, वो त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से कहा जाता है कि उनके ऊपर का जो साया होता है, जो भूत प्रेत का असर होता है, वो खत्म हो जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध जो है वो बोधगया के धर्मारण्य क्षेत्र में किया जाता है। तो यदि आपको त्रिपिंडी श्राद्ध कराना होगा तो आपको बोधगया जाना पड़ेगा और वहाँ से धर्मारण्य जाना पड़ेगा। उधर आपको ऑटो रिजर्व करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर ऐसे लोकल ऑटो नहीं चलती। उसके बाद जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनके लिए नारायण बलि कराना होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेत शिला पे भी जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ के जो प्रेत शिला में जो पत्थर है, उस पत्थर के 5 या 6 चक्कर लगाने से जो भूत प्रेत होते हैं सब यहीं पे बंध के रह जाते हैं और आपके घर में सुख शांति आती है। तो आप देख सकते हैं यह रबर डैम, ठीक है, और पानी किस तरीके से बह रहा है, कितना अच्छा मनोरम दृश्य लग रहा है। लेकिन ये पानी सिर्फ पितृपक्ष मेला तक ही रहेगा। पितृपक्ष मेला जैसे ही ख़त्म होगा ये सारा का सारा पानी जो है वो नदी में सोख लिया जाएगा, क्योंकि फल्गु नदी श्रापित है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।